की इस कंपकपाती हुई दिल्ली की सर्दी में इस देश का अन्नदाता 41 दिनों से बैठा हुआ है दिल्ली की सरहद पर, और इस देश की सरकार, इस देश की हुकूमत बातचीत में का नाटक कर रही है, और इस हुकूमत के पास समय नहीं है। 5-5, 6-6 दिन के बाद समय दे रहे हैं बात वार्ता, किस बात का वार्ता कर रहे हैं आप? हर बार कह रहे हैं कि हम ये भी संशोधन करने को तैयार, वो भी संशोधन करने को तैयार हैं, तो इस देश की सरकार उनको वापस लेके और नए सिरे से कानून बनाने का काम क्यों नहीं कर सकती साहब? किस लिए? क्योंकि ये इनके जो मालिक असली है, इस देश के जो पूंजीपति हैं, आज उनका दबाव है। वरना दुनिया आज हमको देख रही है कि किस तरह की जमूरियत भारत में पैदा हो रही है। आज किसानों की लड़ाई अकेले किसानों की नहीं है, इस देश के एक एक नागरिक की लड़ाई है ये। क्यों? क्योंकि आज मोदी सरकार ने जिस तरीके से खाद्यान्न को, दलहन को, तिलहन को, और जिस तरीके से आलू प्याज को आवश्यक वस्तु के लिस्ट से निकाला है, जिस तरीके से जो आपने जो स्टॉक की जो लिमिट खत्म की है, यानी इस देश के अंदर जमाखोरी और मुनाफाखोरी को कानूनी जामा पहनाने का काम इस मुल्क की मोदी सरकार ने किया। और सिर्फ इतना नहीं है, आज इस देश की संसद ने जो पास किया था श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इस देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा का कानून बनाकर जो दिया था, उसका क्या होगा? आज आप FCI को खत्म कर रहे हैं, और उसका नतीजा यह होगा कि इस देश की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो आज खतरे में आ जाएगी, और इस देश की जो आत्मनिर्भरता थी आज वो आज खतरे में हो रही है। जिस मुश्किल से इस देश के किसानों ने, इस देश के वैज्ञानिकों ने, और उस समय कांग्रेस का जो नेतृत्व था, चाहे जवाहरलाल जी का हो, शास्त्री जी का हो, चाहे इंदिरा जी का हो, कि इस मुल्क को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था, आज वो खतरे में पड़ रहा है। इसलिए आज हम जो सरकार से मांग करते हैं, और इस देश के लोगों से करते हैं, कि इस सरकार से उम्मीद नहीं है, इस देश के लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ी की ये लड़ाई है, क्योंकि आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि हर घर के में रोटी की कीमत अडानी और अंबानी तय करेंगे। इसलिए आज अन्नदाता जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आज पूरी तौर पर कांग्रेस पार्टी और इस देश के हर इंसाफ पसंद आदमी को, इंसानियत पसंद आदमी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए।